ये सपना क्यों है? दिवास जी इस टाइम कितने चले गए? नीचे व्यक्ति और फोन करके व्यक्ति नीचे जाने ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਚਨ ਚ ਨਾ ਲੋਬੀ ਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ आज तो पहला कभी इतना कर उबार नहीं गए हमेशा दस के जाते हैं पता नहीं ऐसे केड़ा जरूरी काम आ गया जो उन्होंने जाना पाया हम जिते भी उन्होंने रक्षा करी हो माँ उन्होंने रक्षा करे ਤੇ ਨੈਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਵਿਭੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਈ ਨੈਣ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂਸ਼ੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ नैन मैं जरा अपने दोस्तों नूं मिलन गया सी ते ओ पंडित हाँ ओ पंडित गोपाल दास जी दे मंदिर दे कोल ना मेरी गड्डी खराब हो गई ते फिर मैं थोड़ी देर मंदिर चला गया सी उन्हां दे ते तैनूं यकीन नहीं तू फोन करके पूछ ला ना ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਕਿਤੇ ਪੌਂਪੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦਿਵਾਸ਼ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ जरूर कोई मुसीबत की गल होगी दस की गल है गुरु जी मैं कुछ दिन पहला रीटा का पिछा किया तो मैं पता लग्या कि वो एक तांत्रिक की मदद ना मेरी धी नूं लभण की कोशिश कर गई पिछली बार उस तांत्रिक ने रीटा ने एक राख दी सी ताकि ओदी मदद ना तुहाडी दित्ती नागमणी तक पहुंच सके ते गुरु जी इस बार भी मैनूं पूरा शक है कि उस तांत्रिक ने रीटा नूं है पबूती ऐसे लिए दित्ती है ताकि इहदे नाल ओह घर दा नुकसान कर सके गुरु जी मैं चाहना कि तुसी इस भभूती नूं चैक करके दसो कि इहदा असली मकसद की है
विश्वास भूती बिल्कुल ठीक है। इतने अंदर कुछ भी नहीं है, पर मैंने चंगा लगा कि तू ध्यान रखना है और रखना भी चाहिए। क्योंकि तेनू यह पता होना भी बहुत जरूरी है कि रीटा किस तांत्रिक नाल मिलके तेरी धी को लभन की कोशिश कर रही है। पर तू फिक्र ना कर, रीटा किन्नी भी कोशिश कर ले वो तेरी धी तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसकी मौत नैन दे धी दे थ्रू ही लिखी हुई है। गुरु जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद इन्नी मदद करने ले। वैसे गुरु जी साड़ी धी कद तक मिलेगी? दिवाश नैन की गवाची हुई थी, नैन आप ही लग सकती है, और कोई नहीं। तू तो मैं बस जरिया बन सकते हैं, पर लब नहीं सकते। और तू फिक्र ना कर, नैन बहुत जल्दी अपनी धी नूं लब लेगी। बहुत सबर रखे गुरु जी, बहुत। हुण होर सबर नहीं हो रहा। उदा तो मैं हमेशा नैन नूं कहिंदा रहिंदा कि पॉजिटिव रहे, पर सच दसा अंदरों ही अंदर मेरा अपना सबर खत्म हुंदा जा रहा है। डर लग रहा है गुरु जी, डर लगता कि जे मेरी धी लभी नहीं फिर। गुरु जी तुसी ते सब जानते हो ना, कि तुसी दस सकते हो मेरी धी किद्दां है? वो ठीक तो है ना? वो जिथे भी है मां नैना देवी की पूरी कृपा दी थी, इसे नु प्रख्या कहते। जब भी इस धरती से कोई खास काम करने वास्ते जन्म लेंदा है, उन्हूं ते उहदे परिवार वालियां नू बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना, पर अंत विच जित उसे दी हुंदी है जिहड़ा हौसले नाल कम लैंदा है। मैं तैनूं यकीन दवाउंदा कि तू अपनी धी नूं लभण दे बहुत नेड़े है, इसलिए तू हुण अपने अगले कदम वल ध्यान दे। बहुत दूर दी ना सोच, अगे की होने वाला है हुण ओ देख। इस वेले तो मेरे लिए भभूति पुजारत बनी हुई है। रीटा परिवार का चंगा किदां सोच सकती है? कुछ तो है जो सही नहीं है। दीदी जी मैं ना नैन नूं मंदिर दे कोल खड़े देखिया सी। ओ पक्का उत्थे काली राख दी जांच करन आई होनी। मैं पहले ही जानती सी पंपी कि नैन जरूर कुछ यहोजा पुट्ठा सीधा करेगी, इसे लिए मैं असली भभूति की जगह नकली भभूति रखी सी। हुण वह जिथे मर्जी जांच करवाने की कोशिश कर लवे, उहदे हथ पले कुछ भी नहीं लगना। कल सवेरे रखड़ी तो पहला असी नकली की जगह
ये असली पबूती रख देवांगे। ते इस वार कुछ भी करके असी जीवन नूं खत्म करना है। और दीदी जी, मैं उही गल ते दसन आया सी। मैनू पता लग गया कि जीवन कित्थे लुकिया बैठा है। जल्दी दस कित्थे आओ। दीदी जी, मैं ना उन्हूं पंडित गोपाल दास जी दे घर दे अंदर वड़दे देखिया सी। पर जद मैं घर दे अंदर गया ना, वो उत्थे मैनूं मिलिया ही नहीं। तू श्योर है? हाँ दीदी जी, 100% श्योर। मैनूं खबर मिली सी कि जीवन नैना देवी मंदिर दे कोल देखिया गया, ते मैं उत्थे उन्हूं चैक करन गया सी। ते मैं 100% श्योर हाँ वो पक्का जीवन ही सी। इहदा मतलब उस दिन नयन ने ही जीवन नूं हॉस्पिटल तों गायब करिया सी, ते उहनूं बचाउण वास्ते पंडित जी दे घर लुको दित्ता। इसे लई असीं उहनूं सारे शहर च लभदे रहे, ते असीं उहनूं लभ ही नहीं सके। कल पूर्णिमा है, मैनूं पक्का पता है कल नयन रखड़ी बन्नण तों बाद सारे घरदिआं नूं पंडित जी दे मंदिर च सावन पूर्णिमा पूजा ते जाण वास्ते जरूर कहेगी। उस पूजा च जाण तों पहलां असीं नयन दे मत्थे ते एक पबूती लावांगे। इस पबूती दी मदद नाल नयन देख ही नहीं पाएगी कि असीं जीवन नूं कदों ते कित्थे मारांगे। पंडित जी नूं फोन करदी आं। नायन बेटा, इस वेले फोन किया तू? सब कुछ ठीक तो है ना? पंडित जी पहले तो माफी मंगती कि मैं इस टाइम फोन किया। नहीं नहीं पुत्र, ये माफी मंगने वाली केड़ी गल है? दस तू की गल सी। पंडित जी की मामा जी थोड़ी देर पहला थोड़े घर आए सी। हाँ आया था सी, पर जबरदस्ती घर के अंदर वड़न की कोशिश भी कर रहा सी। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਖੂਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਉਹ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੌਂਪੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕੀ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ। हां पुत्र, दृष्टि बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। ठीक है पंडित जी, तुसी भी अपना ख्याल रख। ओके पुत्र, ठीक है। ਵਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਵਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ
ये माता रानी मेरे देवांश जी की रक्षा करो, पता नहीं कितने चले गए ने, पर जिथे भी ने उन्हें रक्षा करो प्लीज प्लीज माता रानी। देवांश जी नहीं क्यों यार, सब ठीक है ना? देवांश जी कितने चले गए थे मैं बिना दस, वो भी इतनी रात में, आखिर इतना भी केड़ा जरूरी काम से मैं दस के भी तो जा सकते थे ना तुसी? तुम्हें पता मैं दिमाग की सोच लिया सी? नैन मेरी कितनी फिक्र है। चुप क्यों खड़े हो देवांश जी, जवाब दो कितने गए सी नहीं रात? मैं नैनू रीटा दे उस तांत्रिक कुल जान बारे या इस भभूति बारे कुछ नहीं दस सकता, नहीं तैनू पता लग जाएगा कि मेरी याददाश्त नहीं गई। मैनू नींद ही नहीं आ रही सी, इसलिए थोड़ी देर लिए बाहर घूमन चला गया। नींद नहीं आ रही सी मैं वासी, तुसी मेरे दस के भी तो जा सकते सी, तुहानू पता मैं कितना घबरा जानी। नयन जब तक तू मेरे कोल है मैं कुछ नहीं हो सकता, तू सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं मेरी रक्षा कवच भी है। जो भी है एक मिनट मेरी जान काट के रख दें। शांत नयन मैं आ गया ना, मैं ठीक हूं, हूं तू जा सो जा, कल बहुत काम है, कल रखड़ी के नाल नाल तेरा सावन की पूर्णिमा का वर्त भी है। तुसी भी थक गए होंगे, चलो आओ। तू चल मैं आना, एक गिलास पानी पी के आया। जीवन नू मरण तो कोई नहीं रोक सकता, जीवन नू तां मरना ही पेगा, ना ही उन्हें नयन बचा सकती है ते ना ही रब। देखी हाँ रखड़ी कौन किन्नू बनेगा? ए रखड़ी अनिका शिवराज से बनेगी। ते रखड़ी ना मैं
सहदेव वीर जी बनना नैन पापी नाल मैं इन्ना बुरा किता उस तो बाद भी वह मैनू रखड़ी बन रहे हैं किन्ना वड्डा दिल है पापी का।